आइडिया वीडियो जमात एक से तीन के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की घड़ी की तस्वीर में अदद लिखकर उसमें रंग भरने की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और बच्चों की हिफाजत, इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें जरूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो लेते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। वालदा दो दो के ग्रुप में खड़ी रहें, 10 फीट के फासले पर एक लकीर खींचें, हर ग्रुप अपने लिए एक गुब्बारा फुलाए। ग्रुप की वालदा एक दूसरे के आमने सामने करीब खड़ी हो जाएं और गुब्बारे को हाथ लगाए बगैर पकड़ें। सीटी बजते ही हर ग्रुप को गुब्बारे को गिराए बगैर खींची हुई लकीर को उबूर करना है। लकीर उबूर करने वाला पहला ग्रुप फातह होगा। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। बच्चों को तरह तरह की कहानियों की दावत देते हैं। इस कहानी का नाम है अच्छा बच्चा। एक था अच्छा, एक था बच्चा, एक था मैं। अच्छा गया बाजार, बच्चा गया बाजार, मैं भी गया बाजार। अच्छा ने एक आलू लिया, बच्चा ने एक आलू लिया, मैंने भी एक आलू लिया। अच्छा ने आलू भुना, बच्चा ने आलू भुना, मेरा आलू जल गया। अच्छा ने एक कौर दिया, बच्चा ने एक कौर दिया, मेरा पेट भर गया। अच्छा गया पानी भरने, बच्चा गया पानी भरने, मैं भी गया पानी भरने। अच्छा ने पानी भरा, बच्चा ने पानी भरा, मैं कुएं में गिर गया। अच्छा ने एक हाथ दिया, बच्चा ने एक हाथ दिया, मैं बाहर आ गया। अच्छा ने एक चपत लगाई, बच्चा ने एक चपत लगाई, मैं रोने लगा। अच्छा ने एक आंख पोंछी, बच्चा ने एक आंख पोंछी, मैं हंसने लगा। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी से समूह में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। तीन की तस्वीर में अपना पसंदीदा रंग भरें और रंगीन बिंदिया दायरों में चिस्पा करें। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की सरगर्मियां यहाँ पर खत्म होती हैं। ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।